दोस्तों, अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के पांचवें दिन का सांस रोक देने वाला मुकाबला देखने के लिए उत्साहित हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चार दिनों से खेल में नहीं जीत पाया भारत, अब वानखेड़े स्टेडियम पर निर्णायक पांचवें दिन का मुकाबला हो चुका है शुरू। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी ने चटका दिए बांग्लादेश के 10 विकेट मात्र इतने रन पर। तो आखिर कितने रनों पर ऑल आउट हुई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम? अब रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ने बल्लेबाजी शुरू करते हुए दूसरी पारी में बना दिए कितने रन? भारत के पास हो चुकी है कितने रन की बढ़त? सब कुछ हम आपको वीडियो में, वो भी लाइव, दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश में कौन सी टीम पांचवें टेस्ट मैच के पांचवें दिन का मुकाबला अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश दो चिर प्रतिद्वंदी टीमें हैं और दोनों टीमें जब भी टेस्ट क्रिकेट में आमने सामने आती हैं तो मुकाबले बेहद ही रोमांचक बन जाते हैं। अब सबने सोचा था कि बांग्लादेश को भारत के सामने मुश्किल होगी, लेकिन अब यह पहला टेस्ट मैच तो बांग्लादेश की तरफ झुकता नजर आ रहा है। और दोस्तों, यहां पर अब टीम इंडिया के खिलाड़ी बिल्कुल भी ये नहीं होना देना चाहेंगे कि बांग्लादेश की टीम एक बार फिर से वापसी करे और हमारी टीम को हार के स्थिति में पहुंचाए। हालांकि आपको बता दें कि इस पांचवें टेस्ट मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना, जहां टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा के शतक तो विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और सरफराज खान के अर्धशतकीय पारियों की बदौलत भारत ने 603 रन श्रीलंका के खिलाफ बनाए। अब दोस्तों, 600 रन बनाने के बाद जब भारत के 10 विकेट गिर गए थे तो तीसरे दिन का मुकाबला समाप्त होने तक बांग्लादेश की टीम ने शाकिब अल हसन की शतकीय और मुशफिकुर रहीम की अर्धशतकीय पारी के बलबूते पर 5 विकेट के नुकसान पर 257 रन बनाए थे और भारत के पास अभी भी 346 रन की बढ़त हासिल थी। लेकिन दोस्तों, जिसका डर हर किसी को लग रहा था, चौथे दिन ही हुआ। दरअसल जब शाकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम शुरुआत करने के लिए उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी। दोनों को पता था कि तीसरे दिन भले इन्होंने 257 रन बनाए, लेकिन पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों को मदद करेगी और इसीलिए उन्होंने इस स्कोर को और आगे बढ़ाना शुरू किया और 140 रन की साझेदारी भारत के खिलाफ कर डाली। अब दोस्तों, यहां मुशफिकुर रहीम भी शतक के बेहद ही नजदीक थे, लेकिन तभी मोहम्मद शमी ने उनको LBW बोल्ड कर दिया तो शाकिब अल हसन का भी विकेट 132 रन पर जाकर गिरा और जिसके चलते यहां बांग्लादेश की टीम के पास अब 206 रन की बढ़त थी। लेकिन दोस्तों, फिर मेहंदी हसन मिराज, जो कि इस मुकाबले में 43 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं शौरिफुल इस्लाम के बल्ले से 28 रन की पारी देखने के लिए मिली। और वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम ने चार दिनों के इस मुकाबले में अपने 10 विकेट गंवाने तक भारत के पास बरस बढ़त छोड़ी 56 रन की। और दोस्तों, एक बार फिर से टीम इंडिया इस मुकाबले में फंसती हुई नजर आने लग गई। एक तरफ भारत ने 603 रन बनाए थे और हर किसी को लग रहा था कि इस स्कोर को तो बांग्लादेश की टीम छू भी नहीं पाएगी, लेकिन अब बांग्लादेश की टीम मात्र 56 रन पीछे है भारत के कंपैरिजन में। और अब देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश को कितनी चुनौती भारत की टीम अब दे पाएगी। अब दोस्तों, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पांचवें दिन पारी की शुरुआत भारत की तरफ से कर दी है, जहां दोनों बल्लेबाज अभी तक बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को बस 140 रन की बढ़त दे पाए हैं। और यहां पर अब भारतीय टीम की कोशिश यही होगी कि बांग्लादेश के आगे सिर्फ एक दिन बचाए, कम से कम 300-400 रन का लक्ष्य रखा जाए, क्योंकि इस पिच पर दोस्तों बल्लेबाजी करना बहुत आसान नहीं है। जहां रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के बल्ले से शतक की उम्मीद पूरा भारत देश कर रहा है, तो ऐसे में दोस्तों देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि भारत की टीम क्या इस मुकाबले में वापसी कर पाती है या फिर नहीं, और हमारे गेंदबाज, जो कि बस जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के बलबूते पर टिके हुए हैं, वो कुछ कारनामा करेंगे या फिर नहीं। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं भारतीय टीम के ऐसे प्रदर्शन को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आज के इस मुकाबले में? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये पांचवा टेस्ट मैच जीतेगी या नहीं। दोस्तों, रोहित गिल या फिर यशस्वी, नहीं, इस बार तो अक्षर पटेल ने गेंदबाजी नहीं बल्कि अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि पहले दिन ही बांग्लादेश की उन्होंने हालत बिगाड़ कर रख दी। तो आखिर कैसे चौके छक्कों की आंधी लाते हुए अक्षर पटेल बांग्लादेशी शेरों के लिए बन गए बब्बर शेर? अपनी तूफानी शतकीय पारी के दम पर कैसे उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया? कितने रन बना डाले उन्होंने? कितने चौके छक्के बरसाए? अपनी खौफनाक पारी के दौरान उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जडेजा, अश्विन और अक्षर में कौन सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में रौंदने वाली बांग्लादेश ये सोचकर आई थी कि टीम इंडिया को हराना उनके लिए उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उनकी ये गलतफहमी पहले दिन ही बड़ी बेदर्द तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने दूर कर दी। जी हां, बता दें, जब पहले प्रैक्टिस टेस्ट मैच के लिए बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के सामने
आई तब चेन्नई के चेपाक क्रिकेट स्टेडियम में कप्तान रोहित ने भी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और फिर भारतीय बल्लेबाजों ने अपने कप्तान के फैसले पर खरा उतरते हुए जो किया वो इतिहास के पन्नों में लिखा गया। हालांकि शुरुआत में तो टीम इंडिया को दो बड़े झटके लगे, विराट और यशस्वी 10 रनों के भीतर ही पवेलियन लौट गए थे। हमारी टीम मुश्किल में थी लेकिन फिर मैदान में उतरे अक्षर पटेल ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर वो कारनामा किया जिसके कारण उनका पूरी दुनिया में नाम हुआ था। कप्तान रोहित के सिर पर भी मानो आज तो खून ही सवार था। जी हां दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित ने आते ही विकेट के सामने तीर की तरह खूबसूरत स्टेट ड्राइव से अपना खाता खोला। उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों को दिखा दिए थे, बस फिर क्या था, जब आगाज इतना शानदार हो तब अंजाम की क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें विस्फोटक रोहित की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था तो वहां दूसरे छोर पर खड़े अक्षर पटेल भी दंग रह गए थे। हालांकि जब तक रोहित गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे तब तक अक्षर ने खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया, एक छोर संभाले रखा, लेकिन जब उनका बल्ला गर्जना शुरू हुआ तब माहौल देखने लायक था। रोहित के साथ मिलकर अक्षर ने बांग्लादेशी गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हां दोस्तों, रोहित ने महज 40 गेंद पर 4 चौकों और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद आया है अक्षर नाम का तूफान जिसने बांग्लादेश को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। अक्षर ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए मेहंदी हसन विराज की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में अक्षर ने एक नई जान फूंक दी थी। इसी दौरान अपने खौफनाक अंदाज का नजारा दिखाते हुए उन्होंने कई ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो रोहित से लेकर हजारों फैंस भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। गेंदबाजों के चेहरे पर इन दोनों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान अपना लिया था लेकिन ये दोनों तो उस पर पानी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। दोस्तों इन दोनों ने अपनी बल्लेबाजी से समा बांध दिया था। अक्षर ने तो रोहित से भी 2 कदम आगे निकलते हुए केवल 33 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया, मैदान में तहलका मचा दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी ने बांग्लादेश को मैच से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली थी। दूसरे सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। तस्कीन अहमद, सौरिफुल इस्लाम से लेकर मेहंदी हसन सभी की जमकर पिटाई करते हुए कप्तान रोहित तो अपने शतक की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। हालांकि उनका यह सपना साकार नहीं हो पाया और 80 गेंदों में 94 रनों की तूफानी पारी से रोहित को संतोष करना पड़ा। लेकिन इस दौरान उन्होंने 7 ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए थे जिन पर बांग्लादेश की तबाही लिखी हुई थी। रोहित का विकेट गिर जाने के बाद बांग्लादेश ने चैन की सांस ली थी। उन्हें लगा था कि दिन के आखिरी सेशन में उन्होंने अच्छी वापसी कर ली है लेकिन दूसरी तरफ अक्षर ने बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को खून आंसू रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां दोस्तों, अक्षर तो आज नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे। इस खिलाड़ी के पास मौका था टेस्ट क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक शतक जड़ने का। हालांकि इसी दरमियान वो आउट होने से बाल बाल बचे थे लेकिन दोस्तों सल्यूट है इस खिलाड़ी को, उन्होंने हार नहीं मानी और कप्तान रोहित का बदला लेते हुए उन्होंने शाकिब के सर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोर कर टेस्ट मैच में अपना पहला इंटरनेशनल शतक पूरा कर लिया और पूरी दुनिया को बताया कि वो एक भूखे शेर की तरह जो किसी भी पल किसी को भी तहस नहस करने का दम रखते हैं। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने केवल 78 गेंद खेली थी जिसमें उन्होंने T20 के अंदाज में 113 रन ठोक डाले। इस दौरान उनके बल्ले से 8 खौफनाक छक्के तो वहीं 4 खतरनाक चौके भी निकले। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो अब जहां बांग्लादेशी टीम खून के आंसू रो रही है तो उनकी खतरनाक बैटिंग से टीम इंडिया 380 रन बना चुकी थी और बांग्लादेश के खिलाफ पहले दिन हमने एक अच्छी खासी बढ़त बना ली थी। बांग्लादेश को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनके हाथों से कैसे ये जीता हुआ मैच निकल गया। आखिर हो भी क्यों ना, इस प्रैक्टिस मुकाबले के पहले दिन तो हमेशा अपनी गेंदबाजी से जलवा दिखाने वाले अक्षर ने आज अपनी लाजवाब बैटिंग से बांग्लादेश को कहीं का नहीं छोड़ा। देखते देखते ये हुआ कि कहना गलत नहीं होगा कि अब टीम इंडिया आसानी से ये पहला प्रैक्टिस मैच भी जीतने वाली है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल में कौन सबसे खतरनाक ऑलराउंडर है? अपनी राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच रोमांचक दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को खदेड़ने के लिए दिल्ली के मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा ने रख दिए अपने कदम। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह की करवा दी है वापसी, तो आखिरकार दूसरे वनडे में किन 11 भूखे शेरों के साथ उतर चुके हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा? क्या है बांग्लादेश की प्लेइंग 11 टीम? कहां देख सकते हो आप ये महामुकाबला, वो भी लाइव? साथ ही पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और इस मुकाबले से जुड़ी हर एक लाइव अपडेट, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश में से कौन सी टीम तीसरा वनडे मैच जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और बांग्लादेश दो चिर प्रतिद्वंदी टीमें हैं और जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो मुकाबला अपने बेहद ही रोमांचक बन जाता है। बांग्लादेश बहुत मजबूत टीम है लेकिन पहले वनडे मुकाबले में तो उनकी टीम इंडिया
इंडिया के सामने एक न चली, जहां रोहित शर्मा की पलटन ने किसी मच्छर की तरह बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को मसल कर रख दिया और 1-0 से वनडे सीरीज में बढ़त बना ली। लेकिन तीसरे वनडे का बिगुल बज चुका है, यह बांग्लादेश टीम के कप्तान नजमुल हुसैन संतो कभी नहीं चाहेंगे और इसीलिए उन्होंने रोहित शर्मा की भारतीय टीम को हराने के लिए पूरा प्रबंध भी कर लिया है। वहीं हम आपको बता दें कि बांग्लादेश और भारत के बीच ये मुकाबला आप सभी को लाइव दिल्ली के मैदान पर खेला जाता हुआ नजर आ रहा है, जहां आप सभी इस मुकाबले में एक तरफ रोहित शर्मा को कप्तानी करते हुए देख रहे हैं तो दूसरी तरफ नजमुल हुसैन संतो अपनी टीम को संभाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए मैच के बारे में तो दोस्तों हम आपको बताते चलते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये रोमांचक मुकाबला लाइव अगर आप भी टेलीविजन स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप सभी इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हो।